कुछ दिन पहले तक टमाटर की बढ़ी हुई कीमतें काफी चर्चा में थी। टमाटर लोगों की रसोई से गायब होता दिख रहा था और कुछ लोग मजदूरी में कम टमाटर से भी अपना काम चला रहे थे। हालत ये थे कि टमाटर 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। फिर सरकार ने कम कीमत पर टमाटर लोगों को उपलब्ध कराने का फैसला किया। इसी का असर देखते हुए टमाटर की कीमत अब कुछ कम होते दिख रही है और सस्ते टमाटर लोगों को मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में पीतमपुरा के लोगों को सस्ते टमाटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल के प्रयास से लोगों के लिए सस्ते टमाटर उपलब्ध कराए गए। इसके लिए लोगों को पार्षद की तरफ से संदेश भेजा गया, फिर लोग कार्यालय में जुटने लगे। शनिवार दोपहर लोगों को 50 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बेचे गए। सस्ते टमाटर की सूचना मिलते ही लोग निगम पार्षद के कार्यालय पहुंचने लगे। निगम पार्षद श्री नागपाल ने लोगों का स्वागत भी किया। 50 रुपये किलो के हिसाब से साफ सुथरे टमाटर लेने पहुंचे लोगों का क्षेत्रीय निगम पार्षद ने स्वागत किया, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखते ही बन रहा था। आइए सुनते हैं पीतमपुरा के निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल से, जब उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अमित जी, एक तरफ जो है टमाटर का भाव जो है कि काफी आसमान छू रहा है और आप जो है कि अपने कार्यालय में आज जो है या आपने ये कैंप लगाया हुआ है, तो क्या है, थोड़ा जानना चाहेंगे क्या रेट बिक रहे हैं टमाटर? ये माननीय मोदी जी की स्कीम के द्वारा ये टमाटर NCCF द्वारा दिल्ली में बेचे जा रहे हैं, जिसे कुछ लोग अपनी स्कीम भी बता के बेच रहे हैं, जबकि ये माननीय मोदी जी की स्कीम है। पहले ये टमाटर जब मार्केट के अंदर 160 रुपए किलो थे तब ये 80 रुपए किलो बिक रहे थे, फिर 70 रुपए किलो बिके। आज ये टमाटर मार्केट में जैसे 100 रुपए किलो आज की डेट में टमाटर मिल रहा है, हम यहाँ पे टमाटर मात्र 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये स्कीम द्वारा लोगों को एक राहत देने का प्रयास है। तो आज कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया? आप देख सकते हैं अभी कम से कम नहीं तो 150-200 लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है। अभी दोबारा से एक ट्रक और आने वाला है, उसके बाद मुझे लगता है कि और फिर इसका लोग फायदा उठाएंगे। जिस तरह निगम पार्षद अमित नागपाल ने लोगों को संदेश भेजकर लोगों को सस्ते टमाटर उपलब्ध करा लोगों के लिए राहत दिलाने का कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में ही एक सराहनीय कार्य है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।